हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों। और बच्चों, सर्दियों का आगाज हो चुका है। आई होप आप अपने घर में बैठकर आराम से रजाई के अंदर या कम्बल के अंदर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको 9.3 में पुट द साइन कराए थे। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको असेंडिंग द ऑर्डर करा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी एक तो बुक ओपन कर लीजिए बच्चों, और जिससे आपको ये पता रहे मैं कि आपको कौन से सम करा रही हूँ। फर्स्ट है हमारा जो बेटा असेंडिंग ऑर्डर थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पर सर्कल करना है, जो स्मॉलेस्ट आपको लगता है। तो आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पर आप सर्कल कर लीजिए, कर लेना सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट है आपका असेंडिंग ऑर्डर, थर्ड है आपका बेटा असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग ऑर्डर में 2/13 एंड 7/13, 4/13 एंड 8/13। ये हमारा सम फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। मैंने पहले भी आपको ये एक्सरसाइज कराई थी, अब मैं रिवीजन करा रही हूँ। आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर में बेटा सबसे पहले क्या आता है, स्मॉलेस्ट डिजिट आती है। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब देखते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट डिजिट आती है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी अरेंज करते हैं हम, 2/13। एक बात आप बेटा याद रखना, अगर हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जो फ्रैक्शन के हैं वो हम एज इट इज ऐसे ही उनको अरेंज कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो बेटा हम एलसीएम लेंगे। अगर ये हमारे डिफरेंट होते, जो ये हमारे नीचे के डिनोमिनेटर है अगर डिफरेंट होते तो हम इनका एलसीएम लेते। ये सेम है तो बेटा हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे, इनको एज इट इज हम ऐसे ही अरेंज करेंगे। न्यूमिनेटर डिफरेंट है कोई नहीं, बट ड्यूमिनेटर अगर हमारा डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेते हैं। आप देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 2/13 अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 4/13 एंड देन फिर उसके बाद 7/13 देन 8/13। ओके बच्चों, तो ये तो हमारा था कि भाई जो डिनोमिनेटर है हमारे सेम होते हैं तो ये हमारे एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। तो बेटा अगर डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं। हम एक सम करते हैं अपना, सेकंड सम है 2/3 देन 1/2 एंड 6/7 और 5/6। ये हमारा बेटा दिया हुआ है सेकंड सम में। अब आप देखोगे, देखो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, बट इसमें जो डिनोमिनेटर हमें दिए हुए हैं अलग अलग दिए हुए हैं। तो अलग अलग अगर हमारे डिनोमिनेटर होते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा हम क्या करेंगे, बताओ, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लेते हैं, आपको पता है मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज करा दी एलसीएम की। तो एलसीएम लेंगे 3, 2, 7 एंड 6 का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो बेटा आप ऐसे करके आप रफ उसमें आप अपना ऐसे ऐसे एलसीएम ले लेना 3, 2, 7 एंड 6 का। पहले हम 2 जो टेबल है, 2 की टेबल है उससे हम एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे इनको जो है 2 की टेबल में आते हैं नहीं आते डिजिट। 3 नहीं आता, 2 1 2, 7 एज इट इज ऐसे आ जाए क्योंकि नहीं आएगा, और 2 3 6। ठीक है बेटा, अब 2 की टेबल में ये नहीं आते, अब हम 3 की टेबल में चलते हैं। 3 1 3 1, 7 एज इट इज आएगा 3 1 3, क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है और अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा।
तो अब आएगा हमारा सेवन, वन सेवन मंजा सेवन और वन। ठीक है बेटा, अब जो वन है उन ये हमारे इतना यहाँ तक हमारा एलसीएम हो चुका है। अब हम जो हमारी ये फ्रैक्शन आए हैं इनको अब हम एलसीएम में लिखेंगे, टू अपॉन थ्री अपॉन सेवन। ओके बेटा, टू की टेबल थ्री टाइम पढ़ेंगे, टू सिक्स जा बताओ सॉरी टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू। तो हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों? एलसीएम आया हमारा 42। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने एलसीएम ले लिया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपनी वन ये वाले डिजिट लेते हैं, टू अपॉन थ्री। एलसीएम कितना है? 42। एलसीएम सबका ही सारे डिजिटों में जो एलसीएम है वो 42 ही राइट होगा। तो 42 हमारा एलसीएम है। अब देखो थ्री की टेबल में 42 आता है नहीं? नहीं आता। बट हम इसको 42 को 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे बेटा। 3 जो है वो 4 से छोटा है और 3 की टेबल में 4 भी नहीं आती, तो ये 3 पे 1 पे 3 बन जा 3। 4 में से 3 माइनस किया 1, ऊपर से हमने 2 उतारा तो ये हमारा 12 बन गया। अब 3 की टेबल में 12 आता है कितने पर? 4 पर। ये आ गया हमारा 14। तो ये बेटा हमारा 14 जो आया है, 3 को हमने 42 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 14 आया। क्या आया बेटा? 14 आ गया हमारा। अब इस 14 को जो ऊपर वाली डिजिट है इससे क्या करेंगे बेटा? हम मल्टीप्लाई 14 की टेबल हम 2 टाइम काउंट करेंगे तो कितना होगा? रीड करेंगे तो 14 1 14 14 2 28। तो हम यहाँ पर 28 राइट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब है हमारा 1/2। 1/2 का एलसीएम कितना था? 42। ओके बेटा, अब 2 के टेबल में 42 आता है नहीं? नहीं आता। बट हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे 42 को। 2 2 4, ऊपर से 1 उतारा 4 4 गया 0, 2 2 1 2, तो कितना आया हमारा बेटा? 21। तो ये हमारा 21 आ गया। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमने इसको 42 को डिवाइड किया तो 21 आया। ऊपर कितना है? 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को क्या आएगा? 21 ही आएगा। ओके बेटा, अब है हमारा 6/7। ये वाली डिजिट लेते हैं हम सीक्वेंस वाइज। बेटा आप डिजिट लेना, पहले मैंने 2/3 ली यहाँ पे, फिर ये आ गया इसका 1/2 ली, ये हो गया। अब हम 6/7 लेंगे तो 6/7 का एलसीएम कितना है बेटा? 42। एलसीएम तो सबका सेम ही है ना। और 7 के टेबल में 42 कितने पर आता है बताओ? 7 के टेबल में 42 बेटा आता है 7 6 42, 6 पे आता है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाले डिजिट से। तो ऊपर जो डिजिट है वो कितनी है? 6 है। 6 6 36, 5/6। अब इसका क्या एलसीएम है बेटा बताओ? 42 ही इसका एलसीएम है। एक बात बेटा याद रखना, ये हम 6 के टेबल में 42 कितने पर आता है? 7 पर। 42 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा 7 आया। तो बेटा 7 जो आता है ऊपर वाले डिजिट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा एलसीएम हमने कोई भी डिजिट हो, एलसीएम को हमने नीचे वाली जो डिजिट है उससे डिवाइड किया और हमारा जितना आता है 4 पे आए 3 पे आए 7 पे आए, ऊपर वाले डिजिट से हम क्या करते हैं बेटा? उसको मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, तो हमारा 7 पर आया, 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 35। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो आपका हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में निकल गया क्योंकि जो हमारा नीचे के डिनोमिनेटर है सब सेम आ चुके हैं। अगर सब सेम आते हैं तो मैंने क्या कहा था भाई, फिर हम उनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है हमारी इनमें? 21। इनको हम करते हैं 21/42।
फिर उसके बाद देन 28 है अपॉन 42, देन 35 है 35 अपॉन 42, फिर लास्ट में सबसे बिगेस्ट कौन सी है 36 अपॉन 42। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं बेटा। अब देखो हमने असेंडिंग में तो अरेंज कर लिए हैं, बट ये तो हमने निकाले, पर हमें एक्चुअल जो हमारी जो डिजिट है वो हमें पता नहीं है कौन सी किसके साथ है। अब देखो 21 अपॉन 42 किसकी है, 1/2 की, ये हो गया। फिर 28 अपॉन 42 किसकी है, 2/3 की। 28 अपॉन 42 किसकी है बेटा, ऊपर देख लेना आप यहाँ पे 2/3 की, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3। ओके बेटा, अब 35 अपॉन 42 किसकी है, 5/6 की, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 5/6। असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं बेटा हम। 36 अपॉन 42 किसकी है हमारी, देखो ऊपर कौन सी डिजिट है, 6/7 की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमारे ये आंसर आ गया। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अपनी जो सीरीज थी वो हमने लगा दी है। आई होप आज आपको मैंने रिविजन वर्क में 9.3 के असेंडिंग ऑर्डर बताया है फ्रैक्शन में कि आपको किस प्रकार करना है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।